नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट नाम में। दोस्तों आज मैं बेंजीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करूंगा जो कि फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी है दोस्तों? फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। दोस्तों यहां से कई बार आरपीएससी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भले वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। जो आज की जो रिएक्शन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए कंप्लीटली बहुत जरूर करना। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। दोस्तों यहाँ जो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है वो अपन दो तरह के पढ़ेंगे, एक एल्काइलेशन यानी एल्केलीकरण और दूसरी एसाइलेशन यानी एसिटिलीकरण। दोनों के दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुकी है। इसमें दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि यहाँ अपने पास कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है, ये भी अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो शुष्क या एनहाइड्रस AlCl3 होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, कंप्लीट जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डालता रहूं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने वीडियो के अंदर अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं या आपको लगता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात करें कि फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, जो कि मैं बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ आज स्पेशली, क्योंकि जो टॉपिक था अपना बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड और उसके केमिकल रिएक्शन, उसका पूरा का पूरा एक चार्ट मैंने आपको जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें बता दिया था। अगर आप उस चार्ट को नोट नहीं किया है तो दोस्तों चार्ट को जरूर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो आपको इसी तरह से इसी पैटर्न से आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और उसके अलावा अगर जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम ओरिएंटेड है उनको मैं डिटेल से डिस्कस करता चलूंगा। देखिए दोस्तों ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करवाया। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा अपन जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो वो कार्बन कौन सा हो जाएगा? sp3 कार्बन हो जाएगा। और अब अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि यहां से वापस डीप्रोटोनेशन करवा दूंगा तो यहां पर h+ बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा और ये वापिस बेंजीन रिंग बन जाएगी और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी। कौन सी? मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन बन जाएगी। अब देख दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोफाइल है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन का, वो अपन यहाँ दो तरह से लेंगे, एक एल्काइलेशन के लिए यानी एल्कीलीकरण के लिए। दोस्तों एल्कीलीकरण में यहाँ अपन बात करेंगे कि जब किसी RX को, अब RX में RCl ले लेता हूँ दोस्तों, उसको मैं AlCl3 से रिएक्शन करा दूं तो ये बनाएगा दोस्तों R+ और AlCl4-। अब यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ पर दोस्तों CH3Cl हुआ तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा वो CH3+ बनेगा। यहाँ समझना है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे खास रहेगा। दूसरा इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इसका भी तो नाम पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछे दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अगर यहाँ इथाइल होता दोस्तों यानी क्लोरोइथेन होता तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता वो इथाइल कैटायन बनता। दूसरा दोस्तों अगर यहाँ 1-chloropropane होता तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता, अब आपको सबसे पहले तो ये दिखेगा कि ये 1-degree carbotine है, लेकिन यहां से दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर के एक स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ जो स्पेशली
मैं कह दूं कि इस रिएक्शन के अंदर जब एल प्रोपाइल क्लोराइड यूज किया जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास कौन सा होगा, ये 2 डिग्री वाला होगा, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, इसकी जगह अगर 2 क्लोरो प्रोपेन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल अपने पास कौन सा बन जाएगा, वही 2 डिग्री कार्बोनाइन बन जाएगा दोस्तों। अब ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे अगर मैं एसाइलेशन की मैं बात करता दोस्तों, एसाइलेशन की मैं बात करता एसिटिलीकरण की, तो यहां दोस्तों ये मैं वैसे भी डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, अब याद कीजिए जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपन ने करवाई थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में बेंजीन की रिएक्शन, ऐसे ही एसिटाइल क्लोराइड के साथ में बेंजीन की रिएक्शन, तब अपन ने फ्रिडनकॉफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। तो अगर यहां पर एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ में हो तो दोस्तों जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो अपने पास ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव यानी एसाइल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा दोस्तों, और AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा। अब यही चीज अगर आप एसिडिक एनहाइड्राइड लेते दोस्तों, इसको भी मैं ऐसे बनाता हूं, एसिडिक एनहाइड्राइड लेते दोस्तों, तो भी दोस्तों आपको जो इलेक्ट्रोफाइल बनता ये एसाइल कार्बोकैटायन ही बनता। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, फ्रिडनकॉफ रिएक्शन में एक तो जो इंटरमीडिएट बनता है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तो जो इंटरमीडिएट बनता है इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, तो एक तो मैंने बताया था दोस्तों एरिनियम आयन, क्या बताया था इसका नाम एरिनियम आयन, इसी का दूसरा नाम लिखा था दोस्तों सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ध्यान रखना, और एक लिखा था वीलेंट इंटरमीडिएट, ये इस इंटरमीडिएट का नाम है इंटरमीडिएट। और आपको बता दोस्तों लास्ट ईयर जो आरपीएससी का एग्जाम था उसमें ये पूछा हुआ है दोस्तों कि ये जो कार बेंजीन रिंग है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो बनने वाले इंटरमीडिएट में 6 कार्बन में से कितने कार्बन sp3 के होते हैं, ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, 5 कार्बन तो sp2 के होंगे और ये वाला कार्बन जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है जहां 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए दोस्तों गौर से 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहां ये कार्बन sp3 होगा। फिर दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इसका उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जा रहा है, तो शुष्क AlCl3 फ्रिडनकॉफ रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जा रहा है। दो प्रोसेस होगी, एक एसिल एल्केलीकरण और दूसरी होगी दोस्तों एसिटिलीकरण। एल्केलीकरण में एल्काइल कार्बोकैटायन बनेगा अपने पास और एसिटिलीकरण के अंदर एसिटाइल कार्बोकैटायन आपके पास में बनेगा दोस्तों। तो इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से जोड़ सकता हूं दोस्तों कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराऊं और एनहाइड्रस AlCl3 जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जा रहा है वो ले लें, और यहां पे दोस्तों अगर मैं RCl लूं और एक तरफ एसिटाइल क्लोराइड ले लूं तो यहां तो दोस्तों बन जाएगा एल्काइल बेंजीन जो कि प्रोसेस हो जाएगी फ्रिडनकॉफ रिएक्शन में एल्कीलीकरण की, कौन सी दोस्तों एल्कीलीकरण हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों अगर ये एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होता तो एसिटोफिनोन बनता और ये रिएक्शन है दोस्तों एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण ये रिएक्शन हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों। अब देखो मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करता हूं दोस्तों, वैसे तो मैकेनिज्म का कोई क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा दोस्तों कि किस रिएक्शन के थ्रू, किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू फ्रिडनकॉफ रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन होती है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई है दोस्तों, चलिए एक बार फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं इसको कुछ इस तरह से समझा रहा हूं, एल्काइलेशन की मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, एल्काइलेशन या एल्कीलीकरण, एल्काइलेशन कह दो या एल्कीलीकरण कह दो, फ्रिडनकॉफ एल्कीलीकरण अभिक्रिया कह दो, और यहां मैंने दोस्तों ले लिया इलेक्ट्रोफाइल आर प्लस, ठीक है दोस्तों। तो ये पाई बॉन्ड यहां पर अटैक करे यानी एडिशन हो इलेक्ट्रोफाइल का, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा दोस्तों एड होगा, एरिनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा दोस्तों, फिर क्या करना है इसी इलेक्ट्रोफाइल जहां पर जुड़ा था वहीं से एक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है प्रतिस्थापन कर देना दोस्तों, इसीलिए कहलाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था वहीं से एक इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापित कर दीजिए दोस्तों, और वापस ये जब एयर देखो यहां एरोमेटिक कैरेक्टर थे बेंजीन रिंग के अंदर, यहां ये नॉन एरोमेटिक बन गया दोस्तों,
पहली जो स्टेप है दोस्तों उसमें ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला गया दोस्तों, नॉन एरोमेटिक में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो वेलेन या जो एरेनियम या जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के रूप में बन रहा है क्या वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, ये भी अपना क्वेश्चन बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट। और जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से बाहर निकला दोस्तों, इसमें ये नॉन एरोमेटिक से वापिस एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर यहाँ इस R की जगह दोस्तों मिथाइल कार्बोनाइल बनता तो जो प्रोडक्ट अपने पास बनता वो बनता दोस्तों टोलुइन। क्या बनता दोस्तों? टोलुइन। ऐसे दोस्तों अगर यहाँ इथाइल ग्रुप होता यानी क्लोरोइथेन होता तो ये जो कंपाउंड बनता दोस्तों वो इथाइल बेंजीन बनता दोस्तों। क्या बनता? इथाइल बेंजीन बनता दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड होता या वन क्लोरोप्रोपेन जिसको आप बोलते हो या इसकी जगह दोस्तों टू क्लोरोप्रोपेन होता तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता दोस्तों, यहाँ से ये 1 डिग्री होता और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ये 2 डिग्री कार्बोडाइन में कन्वर्ट हो जाता। और जब ये 2 डिग्री कार्बोडाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो जिसको अपन यूज कर रहे हैं दोस्तों ये जुड़ता तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या दोस्तों आप इसको क्यूमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूमीन। और इस क्यूमीन के साथ में जो रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी दोस्तों फिनोल के निर्माण में, तो आपको यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे यहाँ इसका एक परोक्साइड बनता है दोस्तों क्यूमीन का, इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाती है और फिर यहाँ से दोस्तों अम्लीय माध्यम में ये बेंजीन रिंग शिफ्ट होती है और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इससे रीअरेंजमेंट कह सकते हो एसिडिक मीडियम में, तो इससे दो कंपाउंड नए बनते दोस्तों, एक बनता है एसीटोन और दोस्तों दूसरा बनता है फिनोल। यही चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैं इस एल्काइल बेंजीन का ध्यान रखना बहुत ही गजब का क्वेश्चन दोस्तों कि MnO4 की प्रेजेंस में मीडियम क्षारीय हूं तो ये जो एल्काइल बेंजीन है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस बेंजोइक एसिड का निर्माण करेगा दोस्तों। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आप दो चीजें जोड़ सकते हो आसानी से। क्या क्या दोस्तों? एल्काइल बेंजीन किसमें चेंज हो रहा है? बेंजोइक एसिड में, किसकी प्रेजेंस में? केमनोफोर, क्षारीय केमनोफोर के माध्यम में। और ऐसे क्यूमीन जो बना किससे बन रहा है? पिडल कार्ब एल्काइलेशन से बन रहा है और ये क्यूमीन क्या दे रहा है दोस्तों? फिनोल प्लस एसीटोन का निर्माण कर रहा है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एसिडिलीकरण के बारे में, एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड जो इसकी रिएक्शन थी वो फिनोल का एसिडिलीकरण। एसिडिलीकरण की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मैंने बता दिया है कि एसिडिलीकरण में दोस्तों अगर आप एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं और इसकी AlCl3 जो शुष्क AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों तो एसिटाइल कार्बोकेटन अपने को मिलता है और ये AlCl4- बाहर निकल जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बेंजीन रिंग पर ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये मैंने दोस्तों एसिटाइल कार्बोटाइन ले लिया, ये यहाँ सर पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा यानी एडिशन मतलब अटैच होगा और जिस कार्बन पे अटैच होगा दोस्तों वो कार्बन अब sp3 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है ये इंटरमीडिएट वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान रखना एरेनियम कह सकते हो और इसी को वेलेंट इंटरमीडिएट भी कह सकते हो दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों? जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था उसी कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा वापस प्रतिस्थापन भी हो जाएगा उसका, इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कह रहे हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह से ये वापस एरोमेटिक करैक्टर्स में जनरेट हो जाएंगे और ये एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। बस ये ध्यान दोस्तों ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर नॉन एरोमेटिक वापस एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो इंटरमीडिएट बनता है उसका क्वेश्चन इस बार बन सकता है दोस्तों 100%, याद रखिएगा इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है अपने लिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। जितने भी जो बच्चे हैं भले वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप इसको बिल्कुल बेझिझक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स करवाया जा रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क कोर्स करवाने की कोशिश की जा रही है, पूरा निःशुल्क कोर्स करवा रहा हूँ दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए।